आज हम आईफोन एक्स का ग्लास चेंज करेंगे। देख सकते हैं इसका ऊपर से ग्लास टूटा हुआ है। पहले हम डिस्प्ले को ऑन करके चेक करेंगे। डिस्प्ले हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। अब डिस्प्ले को सेट से रिमूव करके मशीन पर रखेंगे और टेम्परेचर हमारा 80 डिग्री होगा। इसका पहले भी ग्लास चेंज हो रखा है, इसलिए जो इसकी साइड रिंग है आसानी से वो रिमूव हो जाएगी। साइड रिंग को रिमूव करने के लिए हम रीलाइफ का केमिकल यूज़ करेंगे। एक सिरिंज में इसे लेकर इसके बेजल पे हम इसे लगाएंगे। जितने चारों तरफ बेजल है वहाँ पे हम लगाएंगे इसे, जिससे इसका जो ग्लू है वो नरम हो जाएगा और ये बेजल आसानी से बाहर आ जाएगा। अच्छे से हमने तो ये केमिकल इस पर डालना है, जिससे हमारी डिस्प्ले आसानी से रिमूव हो जाए। अब उसी की जो पन्नी होती है उसके साथ हमने इसे रिमूव करना है। इसका जैसे पहले भी ग्लास चेंज हो चुका है, इसलिए इसका जो रिंग है आसानी से निकल रहा है। जो ओरिजिनल होता है उसे थोड़ा टाइम लगता है, हीट ज़्यादा करना पड़ता है। ये बड़ी आसानी से निकल रहा है और नीचे से ये पत्ते की तरफ से ये चिपका नहीं होगा, वहाँ से बड़ी आसानी से निकल जाएगा। नीचे हमारी जो मशीन है उसका टेम्परेचर 80 डिग्री है। देख सकते हैं ये नीचे से नहीं चिपका था और हमारा जो रिंग अलग हो गया है। अब हम इसका जो ग्लास निकालेंगे, इसके लिए हम जो री लाइफ की वायर यूज़ करेंगे 0.3 वाला। धीरे धीरे से इसका ग्लास कट करेंगे और नीचे को प्रेशर रखेंगे वायर का, ताकि हमारी जो एलईडी है वो कट ना हो, क्योंकि जो पेपर एलईडी होता है अगर हमने वायर को ऊपर की तरफ किया तो इस डिस्प्ले की कट कट जाती है। देख सकते हैं हमारा डिस्प्ले बाहर आ गया है। अब इसका जो ग्लू है वो हम इसका निकालेंगे। इस पे दोबारा ग्लास लगा था, इसलिए इसका जो होती है आसानी से निकल जाएगा। सिर्फ हमने इसे 60 डिग्री पर हीट करना है और धीरे धीरे से ऐसे चिप खींच खींच कर इसका उसी निकल जाएगा। इसके लिए कोई भी मशीन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बस हमने 60 डिग्री पर हीट करना है और इसे रिमूव कर लेना है। देख सकते हैं हमारा जो उसी है वो भी अच्छे से आसानी से निकल रहा है। जो इसका ओरिजिनल ग्लू होता है वो भी आसानी से निकल जाता है। उसके लिए हम जो मैकेनिक का ओसी रिमूवर है उसे यूज़ करते हैं। उसे डिस्प्ले पर डालकर हमें 5 मिनट छोड़ना पड़ता है, लेकिन ये तो पहले भी चेंज हो रखा है, इसलिए ये आसानी से निकल रहा है। अब हम डिस्प्ले को क्लीन करेंगे और इसके ऊपर जो ग्लास लगाएंगे। डिस्प्ले को पहले हम एक बार चेक करेंगे, सेट में लगाएंगे। देख सकते हैं हमारी डिस्प्ले अच्छे से ऑन हुई है, इसमें कोई लाइन वगैरह नहीं बना है और हमारा टच वगैरह अच्छा से चल रहा है। एक बार टच को चेक कर लेंगे और डायल पैड में डायल करके देख लेंगे। देख हमारा जो टच है अच्छे से वर्क कर रहा है। अब कपड़े से इसे क्लीन करेंगे। फैलकॉन 530 आता है, उससे हम ये अच्छे से क्लीन करेंगे। अब उसी वाला ग्लास लेंगे और डिस्प्ले को इसके ऊपर रखेंगे। हमने दोनों साइडों पे एक सा गैप रखकर डिस्प्ले को इस पर रखना है, ताकि हमारी जो डिस्प्ले की अलाइनमेंट सही रहे और बाद में जो ये फ्रेम में अच्छे से बैठे। देख सकते हैं हमारा जो डिस्प्ले इसमें बैठ चुका है। अब इसे हम उसी मशीन में रखेंगे। हमने कहीं से डिस्प्ले को प्रेस नहीं करना, हम इसकी जो पंचिंग है ये मैजिक रबड़ आता है इस पर करेंगे। इस पर कोई भी डिस्प्ले पंच हो जाता है। इस पर डिस्प्ले रख के हम इसे मशीन में रखेंगे, जहाँ पे हमारा 35 सेकंड के लिए ये वैक्यूम होगा मशीन में और 30 सेकंड के लिए इसकी पंचिंग होगी। देख सकते हैं हमारे डिस्प्ले जो पंच हो के आ चुका है। एक साइड थोड़े से बबल है, वो जो हम बबल रिमूवर में जो 5 मिनट के रखेंगे तो आसानी से चले जाएंगे। अब हम डिस्प्ले को एक बार चेक करेंगे, सेट में बैठे रखेंगे और डिस्प्ले के कनेक्टर वगैरह लगाएंगे और डिस्प्ले को ऑन करेंगे। हमारा जो डिस्प्ले अच्छे से वर्क कर रहा है, देख सकते हैं हमारा एप्पल लोगो आ चुका है। अब इसके हम ऑन करके टच वगैरह जो चेक करेंगे, जो ये बबल है ये आसानी से 5 मिनट में चले जाएंगे। देख सकते हैं टच हमारा अच्छे से नया।